तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के एंड्स में, जहां पे आपको कोई भी रिसोर्सेस, प्लांट्स या तो एनिमल्स नहीं मिलने वाले। यहां पे आप अपनी बेसिक क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बना सकते हो एंड हर काम को करना 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और अगर ये कम डिफिकल्ट है तो यहां पे काफी सारे एंडरमैन है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस एंड स्ट्रांग है। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम डिफीट कर पाए एंडर ड्रैगन को और सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन एंड लोनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हो गए थे डायरेक्टली एंड में और हम लोग नीचे देख रहे थे क्योंकि भाई एक भी एंडरमैन से आंख मिला ना तो खत्म है। अब एंड में सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दम, खाना। हाँ, तो उसके बाद हम लोग चले गए बहुत सारा खाना कलेक्ट करने के लिए। अब एंड में ना आपको ज़्यादा खाने की वैरायटी मिलती नहीं है, यहाँ पे बस एक कोरस ट्री है जो कि भाई भगवान भरोसे यहाँ पे रहता है एंड आप यहाँ से खाना खा सकते हैं। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है, अगर इसको आप खाते हैं तो आप टेलीपोर्ट कर जाएंगे। पर कोई नहीं यार भाई, कम से कम खाना तो है। सही बात है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे और बहुत सारे कोरस फ्रूट कलेक्ट कर रहे थे, तब तक हमें दिख गया एक एंड सिटी। पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस एंड सिटी में जा नहीं सकते, मतलब हमें नहीं लगता कि कूदने से हम लोग उतना बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो भाई ने यहाँ पे कोरस फ्रूट खाया पर वो तो यार नीचे टेलीपोर्ट हो गया और मुझे भी अब नीचे जाना था क्योंकि हम दोनों हमेशा एक साथ साथ रहते हैं। तो मैंने भी कोरस फ्रूट खाया लेकिन भाई मैं तो कुछ अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था। तो मैंने दोबारा एक बार ट्राई किया कोरस फ्रूट खाने का एंड इस बार मैं नीचे टेलीपोर्ट हो गया। पर यार नीचे टेलीपोर्ट होकर हम इतना खुश क्यों हो रहे, अब ऊपर कैसे जाएंगे? अब भाई काफी देर सोचने के बाद हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एंडरमैन को मारे और एंडर पर्ल कलेक्ट करके ऊपर जाए। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, क्या है ना, हम लोग एंडरमैन और पढ़ाई दोनों से दूर दूर रहते हैं, पर इस बार हमें लगता है कि एंडरमैन से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पे गड्ढा बनाया जो कि बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हमने एंडरमैन को यहाँ पे भड़काया एंड भड़कने के बाद भाई जो वो भड़का है ना, सहलेंगे थोड़ा सा। तो इसके बाद तो आपको पता ही है कि एंडरमैन आपको मारने चले आते हैं, तो हमको भी मारने आ गए। लेकिन हम लोग के पास तो बहुत ऑसम आइडिया और उसके बाद हमने काफ़ी देर तक मार के बहुत सारे एंडर पर्ल कलेक्ट कर लिए। एंड यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि भाई एक बार क्या हुआ ना कि एंडरमैन मुझे डायरेक्टली मारने आ गया और हिट भी लग गया। सोच रहे हो अगर मैं टाइम पे गड्ढे में नहीं घुसता तो क्या होता। पर कोई नहीं यार, चलो अपने पास यहाँ पे एंडर पर्ल तो आ चुके हैं तो इसको थ्रो करके हम लोग यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश किए, जो कि उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था मगर फिर भी चलो ठीक ठाक सा था। पर हमने सोचा चांस लेने का और एक बार डायरेक्टली एंडर पर्ल थ्रो करने का एंड भाई हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर पहुँच गए। और अब यहीं से अपनी असली जर्नी शुरू होने वाली थी क्योंकि अब अपने पास था एक एंड शिप जहाँ से हम लोग लूट सकते बहुत सारा खजाना। तो एनसीटी के पीछे वाले दरवाजे से चुपके से हम लोग एनसीटी के अंदर घुस गए जैसे कि कोई भी शल्कर को पता ना चले एंड उसके बाद हम लोग चले गए ट्रेजर रूम में डायरेक्टली। बट यार सुनने में डायरेक्टली लगता है बहुत सारे शल्कर्स के साथ फाइट करना पड़ा, मतलब आप देखो यार 5-6 शल्कर एक साथ अटैक कर रहे हैं। पर इसी चीज़ को हमने अपने एडवांटेज में यूज़ किया, अपने पास ब्लॉक्स नहीं थे तो ऊपर जाना काफ़ी डिफिकल्ट था, तो शल्कर के लेविटेशन इफेक्ट से हम लोग ऊपर जा रहे थे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। एंड फाइनली हम लोग का दिमाग यूज़ करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए थे और यहाँ पे हम लोग को दिख तो रहा था चेस्ट, बट यार यहाँ पे काफ़ी सारे सर्कल्स दोबारा थे जिसको हम लोग को टैकल नहीं हो रहा था। तो हमने डायरेक्टली चेस्ट के ऊपर वाले ब्लॉक को ही माइन करना स्टार्ट कर दिया एंड कुछ ही देर के बाद भाई को वो वाला ब्लॉक मिल भी गया एंड हमने चेस्ट को ओपन किया और ओपन करते के साथ साथ कितना बढ़िया लूट था उसमें। मतलब अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम लोग को चाहिए पिकैक्स, बट अपने को यहाँ पे स्वॉर्ड मिल चुकी है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आई गेस, क्योंकि यार सर्कल से हमें लड़ना है। पर एक चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अपने पास अपना फर्स्ट पीस ऑफ आर्मर आ गया और अपना गोल ही यही है यार कि 40 डेज के पहले अपना फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर हो जाए। सो हम लोग लग गए दोबारा बहुत सारे चेस्ट को लूटने के लिए एंड हमें दूसरा चेस्ट मिल गया जिसमें था और बहुत सारा सामान। एंड यस आपने सही देखा, अपने पास अपना पहला पिकैक्स आ चुका था। भाई ये देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि हम लोग अब ब्लॉक माइन कर सकते हैं और ब्लॉक माइन करना एक वरदान है। मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में हमें समझ में नहीं आता कि ब्लॉक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे तो हम लोग वुड एंड ग्रास वगैरह माइन करते रहते हैं, पर अभी हम लोग को पता चल चुका है यार कि ब्लॉक के बिना माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो हमने अपने पिकैक्स से फर्स्ट कुछ ब्लॉक्स माइन किए और कुछ क्या हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स माइन कर लिए एक बार में ही, जैसे कि हम लोग को कभी भी ब्लॉक्स की कमी ना पड़े। वैसे स्पॉइलर अलर्ट, हम लोग को फ्यूचर में बहुत सारी ब्लॉक्स की कमी पड़ती है। और कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एंड स्टोन के ब्रिक्स बना लिए, जैसे कि हम लोग को पता चले कि हम लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं। आईक्यू देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा है यार, एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा होगा मेरा आईक्यू। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर हमने यहाँ पे कुछ एंडर पर्ल कलेक्ट कर लिए इन केस अगर हम लोग को यूज़ लगता है एंड उसके बाद हम लोग चले गए काफ़ी सारे एंड सिटीज़ ढूंढने के लिए। और यार एंड में इतना देर गुजारने के बाद हमें एक चीज़ पता चला है, एंड में अगर एंड सिटीज़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर एंड सिटीज़ नहीं है आपके पास।
सो जैसे कि अब अपने पास ब्लॉक्स थी तो अपना ऊपर जाना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। एंड हम लोग चेस्ट रूम में डायरेक्टली पहुंच गए और चेस्ट को ओपन किया और भाई क्या लूट से अपने को काफ़ी सारे आर्मर मिल गए यहाँ से। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी हम लोग को दूसरा चेस्ट लूटना बाकी था और उसमें भी काफ़ी मस्त मस्त सामान था, बट यहाँ पे बस सीड मिले। यार सीड का क्या करेंगे हम लोग, देखा जाए तो गोल्ड की भी अपने पास खास कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यार क्या ही करेंगे गोल्ड का। और अभी तो अपने पास काफ़ी सारे आर्मर आ चुके हैं, मतलब मेरे पास चेस्ट प्लेट आ गया, भाई के पास बूट्स एंड लेगिंग्स आ गया, और भाई अब हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है आर्मर। बस यही है कि डायमंड का नहीं है, काश हर एक चेस्ट में डायमंड का आर्मर रहता मेंडिंग वाला, क्या ही मज़े आते। और चेस्ट को भी हमने याद से कलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेस्ट भी नहीं बना सकते। एंड देन थोड़े बहुत शल्कर्स के साथ लड़ने के बाद हम लोग चले गए एंड सिटी ढूंढने के लिए, और यहीं पे हो गया मेरे साथ एक बहुत ख़राब सीन। मतलब देखो यार, ये एंडरमैन मेरे ऊपर चढ़ गया और बस एक हार्ट मेरा बाकी था, जस्ट लिटरली एक हिट लगता ना इसका, या तो हिट छोड़ो पैर भी अगर लग जाता तो मैं मर जाता। पर कोई बात नहीं यार, भगवान के दया से हम लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। आपके पास वीडियो आ रही है भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मतलब क्या कर रहा हूँ यार मैं। सो एनीवेज, हम लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे और चेस्ट मिल गए, और यहाँ पे भी आर्मर थे और डायमंड्स भी थे, और इसको देख के हम लोग खुश तो हो गए यार, लेकिन डायमंड का भी क्या करेंगे हम लोग, मतलब कुछ यूज़फुल है कि नहीं यहाँ पे। तो चेस्ट को लूटने के बाद हमने दोबारा से चेस्ट को कलेक्ट कर लिया एंड देन दोबारा दूसरे चेस्ट को लूटने चले गए, मतलब अपना जो नॉर्मल सा प्रोसेस है। पर इस बार हम लोग को मिल गया था एंड शिप, और यार क्या ही बताओ, एंड शिप में जाने का इस बार अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा था। मतलब हम लोग हर बार एंड शिप में जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही इंटरेस्ट लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे चेस्ट थे, और इस चेस्ट में तो अच्छा लूट होता ही है, तो इनको भी हमने जल्दी से कलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने इलाइट्रा भी को कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे कमाल देख रहे हो, स्टोन टूल्स का एडवांसमेंट मिलने से पहले हम लोग को स्काई इज द लिमिट का एडवांसमेंट मिल गया। वाह वाह, मतलब मैं तो कहता हूँ दोबारा बोलो वाह वाह, आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। और ड्रैगन के हेड को कलेक्ट करने के बाद हमने अपना पहला फ्लाइट लिया, और भाई मज़ा सा आ रहा था, अपना अंदर से मज़ा आ रहा था। और काफ़ी देर उड़ने के बाद हमने अपना सामान को डिवाइड किया, मतलब उसको जो इंटरेस्टिंग लगा वो मुझे दे दिया, और मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा और यूज़ नहीं है मेरे पास मैंने उसको दे दिया। सिंपल ट्रेड बोलते भाई, सिंपल ट्रेड। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी सारे और एनसिटीज़ भी लूटे, और वहाँ पे भी हम लोग को काफ़ी सारे चेस्ट मिल गए थे, तो उसको भी कलेक्ट कर लिया। और आर्मर ही मिल रहे थे, लेकिन यार आयरन के आर्मर मिल रहे थे, भाई मुझे डायमंड के चाहिए। एंड इसी बीच भाई को एक अजीब सा एडवांसमेंट मिल गया, मतलब उसे भी नहीं पता क्या किया उसने, मुझे भी नहीं पता क्या किया उसने। भाई आपको अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एडवांसमेंट कैसे मिलता है। एंड वो डायरेक्टली शिप के अंदर चला गया था, उसके बाद मैं भी आया, और शिप में काफ़ी सारे अच्छे लूट थे जिसको हमने कलेक्ट किया। एंड फिर हम लोगों ने दूसरा इलाइट्रा ले लिया, मतलब दूसरा नहीं आई गेस तीसरा इलाइट्रा ये। और फिर सबसे ऊपर जाके हमने कुछ यूनिक किया, दोबारा हमने उड़ा। मतलब पता है आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, लेकिन यार क्या पता क्यों हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है उड़ने में। अरे बाबा! अब दौड़ दौड़ के हम लोग थक गए थे, और हमें चाहिए था एक घर जहाँ पे हम लोग रह सके, तो पीछे वाली एंड सिटी को हमने जल्दी से तोड़ दिया, क्योंकि हमें काफ़ी सारे ब्लॉक चाहिए थे अपने नए घर के लिए। एंड आप देख सकते हो भाई अपने पास कितने सारे ब्लॉक्स है, और अपना यहाँ पे हमने चेस्ट भी रख दिया जहाँ पे हम लोग फालतू के सामान रख सकते हैं। और अब हमें बनाना था एक बहुत ही औसम सा घर जहाँ पे हम लोग को रहने का मन करेगा, एंड यहीं पे हम लोग और प्रोग्रेस करने वाले हैं। अरे और प्रोग्रेस मतलब यहीं पे हम लोग बाकी घर एंड फार्म्स बनाने वाले हैं। और भाई घर बनाने के समय हमें कोई भी डिज़ाइन ही नहीं सूझ रहा था, मतलब एंड ब्लॉक से कोई घर जो अच्छा लगे वैसा डिज़ाइन लग ही नहीं रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, बस एक बार काम शुरू कर दो वो अपने आप होते जाता है। हम लोग के साथ भी वही हुआ, हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, और अपने आप उसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल्स देते गए, और भाई काफ़ी अच्छा लास्ट में घर दिख रहा था। इसीलिए भाई अच्छी सलाह दे रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कभी ना कभी सिलेबस ख़त्म हो ही जाएगा। वैसे वो अलग बात है कि मैं 12 में हूँ और मेरे ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन वो अलग बात है। चलो चलो भाई, पढ़ाई की बातें साइड में रखते हैं, और अभी घर देखो। तो देखो घर पीछे से हम लोग का कुछ अजीब सा था, मतलब उतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं था, बट सामने से घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाकी दोस्तों ने कहा कि ये मंदिर जैसा लग रहा है, आप कमेंट में बताना यार ये मंदिर जैसा लग रहा है। हमें तो अच्छा लग रहा है घर, मतलब थोड़ा बहुत मंदिर जैसा लग रहा है। तो लास्ट के कुछ डेकोरेशंस हमने कर दिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे टॉर्चेस भी लगा दिए, मतलब एंड्रॉड जैसे कि हम लोग का लाइट अप रहे, और सामने को एंडरमैन कलेक्ट ना हो। और अब देखो हम लोग को चाहिए था पूरा डायमंड आर्मर, लेकिन अपने पास अभी भी नहीं है। तो हम लोग का प्लान था कि घर तो बन चुका है, चलो एंड सिटी और यहाँ पे लूटते हैं। तो हम लोग एंड सिटी के लिए निकल गए, और अपना डायमंड के लिए ग्राइंड हो गया था शुरू, और यहाँ पे हम लोग को एंड सिटी मिल भी गया सामने। और भाई ये वाला एंड सिटी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था लूटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे शल्कर्स थे, हमने बहुत मारने की कोशिश की, काफ़ी बात तो हम लोग को वो लेविटेट करवा दे रहा था, और उसको हेल्थ फुल करने के लिए हम लोग को खाना पड़ा था कोरस फ्रूट, जिसका वजह से हम लोग बाहर टेलीपोर्ट हो रहे थे। और ये फालतू सा एंड सिटी में एक भी चेस्ट नहीं था, मतलब यार इतना ख़राब स्कैम किसी के साथ होता है भला। लेकिन इस एंड सिटी के पास एक बहुत ही अजीब सा चीज़ मिला,
हमें मिला एक पोर्टल जो था एंडर ड्रैगन तक पहुंचने का रास्ता। और यहाँ पे हम लोग को एंडर ड्रैगन डिफीट करना तो था, पर अभी नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास उतना पावर ही नहीं है। तो पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स को नोट करने के बाद हम आ गए एंड सिटी में। और भाई ये एंडरमैन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब इनकी प्रॉब्लम क्या है यार। तो इसको निपटाने के बाद हम लोग चले गए चेस्ट लूटने के लिए। और भाई प्लीज़ इस बार चेस्ट हो, तो हमें चेस्ट मिल भी गया और हमने उसको लूटा भी। और भाई पहला डायमंड का आर्मर हमें मिल गया जो कि ज़रूरत था, एंड काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पिकैक्स भी मिल गए, तो ये भी हम लोग को बाद में यूज़ आने वाले हैं। एंड ऐसे ही चेस्ट को लूटने के बाद मेरा तो भाई फुल डायमंड आर्मर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। भले इसमें अच्छी इंचायमेंट नहीं थी पर फिर भी ठीक है, पर भाई का डायमंड आर्मर यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसकी वजह से हमें और काफ़ी सारे एंड शिप्स लूटने पड़े, एंड फाइनली हम लोग आ गए थे वापस फुल डायमंड आर्मर लेके। तो भाई अब अपने पास डायमंड आर्मर है, वो भी इंचेंटेड वाला। अच्छा इंचेंटमेंट नहीं है, लेकिन यार अपना पहला गोल तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और हमने अपने बाकी फालतू के सामान चेस्ट में रख दिया, और हमने यहाँ पे एक शल्कर बॉक्स भी बनाने का कोशिश किया था, लेकिन बिना क्राफ्टिंग टेबल का ये भी नहीं बनता यार। और अब अपना फाइनली टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, क्योंकि यार इससे ज़्यादा हम लोग पावरफुल हो भी नहीं सकते, और इंचैनमेंट्स की तो बात ही नहीं यार, उसको ना हम लोग चेंज कर सकते हैं ना हम लोग उसको लगा सकते हैं। पर यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें थी जो हमने कलेक्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे हमने ब्लॉक्स कलेक्ट किए। यार हम लोग को वहाँ पे तोड़ना था क्रिस्टल, जिसके लिए हम लोग को चढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस बार अपने पास बो नहीं है। और खाने को कैसे बोल सकते हैं यार, खाना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने पास ज़्यादा वैरायटी ऑफ खाना नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही खाना है कोरस फ्रूट जो कि हमें खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो उसको भी कलेक्ट किया, और उसके बाद एंडर पल्स भी हमने काफ़ी सारे कलेक्ट किए। मतलब यहाँ पे एंडर पल्स की हम लोग को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एंडर ड्रैगन जब हमें मारेगा तो हम लोग एंडर पल फेंकेंगे और बच जाएंगे, ये अपना प्लान है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि अपने पास दो चार एंडर पल से काम नहीं बनने वाला, कम से कम 16-17 एंडर पल चाहिए, जिसके लिए हमें एक छोटा सा फार्म चाहिए होगा। और देखो फार्म की बात लो और भाई का काम शुरू, मतलब इसने क्या किया कि इसने एक बैरियर बनाया और सारे एंडरमैन को भड़काया है। आपको लग रहा है कि इतने सारे एंडरमैन को कोई भड़का सकता है? मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा इसने क्या किया होगा कि इतने सारे एंडरमैन इसके ऊपर पागल हो गए, लगता है पैसे उधार लिए होंगे। और भाई का आइडिया देखने के बाद मेरे अंदर का भी साइंटिस्ट जाग गया, और मैंने भी सोचा कि क्यों ना एंड रॉड से एक बैरियर बनाया जाए और यहाँ पे एक एंडर माइट स्पॉन किया जाए। तो मैं लग गया अपने एक्सपेरिमेंट फार्म के ऊपर काम करने के लिए, और यहाँ पे एंडर पल फेंका, एंड फाइनली यहाँ पे एक एंडर माइट स्पॉन हो गया था जिसको भाई ने जल्दी से कैप्चर कर दिया, और ये 110% काम कर रहा था। और इसी के साथ अपना ओरिजिनल मस्त और बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंडरमैन फार्म रेडी हो चुका था। मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी ट्यूटोरियल बनाओ और उससे भी व्यूज़ लूँ और पैसे कमाऊँ। वो सब बात की बात है, अभी के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे एंडरमैन मारे, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था यहाँ पे। तो ऐसा करना था कि कोई एक जन इसे भड़काए जिससे एंडरमैन डिस्ट्रैक्ट हो, एंड कोई एक जन एंडर पल कलेक्ट करे, और इसका सलूशन भी अपने पास था। भाई देखो भाई ने क्या किया ना कि वो उसके ऊपर खड़ा हो गया, सारे एंडरमैन को भड़का रहा था, और मैं चला गया यहाँ पे एंडर मैन मारने के लिए। तो भाई ये वाला फार्म तो और भी ज़्यादा इजी है, यहाँ पे आपको एंडर मैन भी नहीं लगते, मतलब एंडर माइट भी नहीं लगता। लगता है हमें एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर नहीं इंजीनियर होना चाहिए था, हाँ तब ज़्यादा अच्छा होता। तो यही सब फार्म्स को ट्राई करते 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 अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे एंडर पल कलेक्ट हो गए थे, और इतनी की तो ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर हम लोग डायरेक्टली चले गए अपने तरफ, मतलब अपने पोर्टल के तरफ यार। एंड पोर्टल में पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि अभी तक हमने एंड को एक बार भी नहीं छोड़ा है, और इस बार हमें डायरेक्टली जाना पड़ेगा एंडरमैन से फाइट करने के लिए। तो हम लोग जल्दी से चले गए एंडरमैन से फाइट करने के लिए, और पोर्टल में एंडर पल फेंकते ही हम लोग टेलीपोर्ट हो गए थे द एंड में। तो आइलैंड की तरफ बढ़ते बढ़ते हम लोग आइलैंड की तरफ पहुंच भी गए, एंड हम लोग ऊपर बिल्डअप करने लगे जैसे कि हम लोग सारे क्रिस्टल्स को फोड़ सकें। और यार ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था क्योंकि एक गलती और क्रिस्टल्स ही आपको मार देगा, मतलब एंडर मैन की भी ज़रूरत नहीं है, एंडर ड्रैगन की भी ज़रूरत नहीं है। पर यार अपने पास कोई चॉइस भी तो नहीं है, हाथ से मारने के अलावा अपने पास कुछ है भी नहीं, तो हमने हाथ से इसको फोड़ा एंड ये फूट गया। और इसके बाद जो हुआ वो तो मैं भी नहीं सोच रहा था करने का, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एंडर पल ही फेंक दी उसके ऊपर और वो फूट भी गया, और ये काफ़ी इजी मेथड लग रहा था। तो ऐसे करके मैंने सारे क्रिस्टल्स फोड़ दिए। आप भी अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कभी ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है यार। फिर हम एंडर ड्रैगन को मारना स्टार्ट कर दिए, और यार सच बताऊँ तो इसको मारना इस बार भी काफ़ी ईजी था, मतलब अपने पास कुछ है भी नहीं, क्राफ्टिंग टेबल तक नहीं है, फिर भी हम इसको कुत्ते जैसे मार धीरे धीरे करके हमने इसको मारा। हाँ एक बात है कि हमें काफ़ी ज़्यादा इस बार टाइम लगा क्योंकि पहली बात तो हम लोग बो से मार लेते हैं, लेकिन अब अपने पास बो नहीं है तो हर बार हमें नीचे आने का वेट करना पड़ रहा था, लेकिन फाइनली ये मर गया और अपने को मिल गया अपना एडवांसमेंट। और भाई इसका एनिमेशन क्या मस्त लगता है यार दिखने में,
और इसने एक्सपी तो ड्रॉप किया लेकिन हमें काफ़ी सारे एक्सपी मिला नहीं क्योंकि यार नीचे गिर गया था। लेकिन इसी के साथ और एक मस्त चीज़ हुआ, यहाँ पे अपना पोर्टल एक्टिवेट हो गया और अब हम लोग जा सकते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। लेकिन ओवरवर्ल्ड जाना इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है, मतलब रिस्की तो नहीं लेकिन ओवरवर्ल्ड जाना हम लोग को यहाँ पे अलाउड नहीं है। देखो भाई, एंड और ओवरवर्ल्ड का काफ़ी झगड़ा है और हमें एंड के रहने वाले और अपना घर सब कुछ यहाँ पे है तो हम लोग ओवरवर्ल्ड जा नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग चले गए उसके बाद अपने घर और प्रोबेबली कभी भी हम लोग ओवरवर्ल्ड नहीं जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे घर जा ही रहे होते कि हमें सामने और एक एंड शिप दिख जाता है और फिर इसको भी हम लोग लूटने चले जाते हैं क्योंकि हम लोग बेशरम है यार। और इसको लूटने से हमें इतना प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरे पास अच्छे बूट्स एंड अच्छे अपने पास चेस्ट प्लेट नहीं था लेकिन अब अपने पास प्रोटेक्शन 4 का लेगिंग्स एंड प्रोटेक्शन 4 का चेस्ट प्लेट है। सो फाइनली हम लोग घर पहुँचते हैं, अपना सारा फालतू का सामान रखते हैं और फिर हमने सोचा कि भाई ये घर तो पुराना हो चुका है, कितने दिन से हम लोग इस घर पर रह रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नया सा घर बनाया जाए। लेकिन उसके लिए अपने पास मटेरियल ही नहीं है, तो मटेरियल के लिए हम लोग आ गए शिप के ऊपर एंड इस शिप को पूरा ही माइन कर दिया और इससे हमें काफ़ी अच्छे मटेरियल मिल गए। सो भाई आप देख सकते हो इस चेस्ट में सारे चीज़ें, जैसे कि हम लोग को काफ़ी सारे लैडर मिल गए थे, काफ़ी सारे यहाँ पे पर ब्लॉक्स एंड पिलर भी मिल गए थे। देन उसके बाद हमने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया और भाई ये वाला घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, मतलब ओवरवर्ल्ड थीम घर होने वाला है बट नेदर के ब्लॉक से। और अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी और उसके साथ साथ एक नेदर पोर्टल भी बना लिया था, मतलब ये अपना एक्टिवेट तो नहीं हो सकता लेकिन एक पहचान सा था। और देख सकते हो भाई अपना घर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे हमने बहुत सारे एंड रॉड्स भी लगा दिए जो कि हमने काफ़ी देर तक कलेक्ट किए थे एंड विंडोज़ के लिए अपने पास सिल्टच का पिकैक्स था तो उससे हमने मैजेंटा डोर्स भी कट कर लिए। और बैक साइड भी देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर अंदर से उतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है जितना आपको लग रहा है, उतना रूम नहीं है लेकिन ये अपना स्टोरेज रूम नहीं, ये अपने रहने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और नेदर पोर्टल में आप देख सकते हैं हमने एंड रॉड दे दिए, जैसे कि ऐसा थोड़ा लगे कि एक्टिवेटेड है, किसी को लगने नहीं वाला लेकिन फिर भी मन की शांति के लिए हमने दे दिया। तो ऐसे करके 100 डेज हो चुके थे कंप्लीट और हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हुई क्योंकि अब अपने बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले जिसकी वजह से हमें पढ़ना है और हमने सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम दोनों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो शायद वीडियो भी लेट से आ सकती है, लेकिन आपके लिए ट्राई करेंगे। बाय।